अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइल्ड जंगल ड्राइव में। मैं हूं आपका दोस्त अदीप और हमारे छोटे भाई फैसल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछली पिछली के कुछ वीडियो पहले जो है आपको देखने को मिला टाइगर, एलिफेंट, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखने को मिली, लेकिन टाइगर जो है अच्छे से नहीं दिखा पाए हम आपको। तो उस चीज़ का थोड़ा सा हमें एहसास हुआ और आप लोगों को भी थोड़ा सा लगा होगा कि कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल पाया। तो उस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए, सोचते हुए, मतलब जो हमसे हो सका अपने बजट के हिसाब से एक ऐसी चीज़ मंगाई है जिससे आपको थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाएगी वाइल्ड लाइफ को देखने में। तो वो क्या चीज़ है वो हम आपको हाथों हाथ दिखाएंगे। दिखा दें सस्पेंस ज़्यादा नहीं रखते हम। तो ये चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यह है हमारा लेंस 45 to 150 mm। तो अभी हमारे छोटे भाई के पास है, तो ये लेंस है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन बस जितना हमारा बजट था उसके हिसाब से हमने कोशिश की है कि आप लोगों को हम दिखा सकें। तो और बाकी हम खड़े हैं अभी यहाँ देचौड़ी रेंज के जंगल में और मौसम है कुछ ऐसा, देख सकते हैं आप। और शुरू करते हैं हमेशा की तरह अपनी ड्राइव, जंगल ड्राइव, और आज देखते हैं क्या क्या मिलता है रास्ते में और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और हम भी एक्साइटेड हैं इसके रिव्यू को लेकर कि हम कैसा इसको प्रेजेंट कर सकते हैं इससे वाइल्ड लाइफ को। जो इसकी हमने डिटेल पूरी ढंग से बताई नहीं है वो आप डिटेल देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा और डिटेल भी मिल जाएगी। तो अब शुरू करते हैं अपनी ड्राइव। देखिए सुंदर मोर बेहद खूबसूरत लग रहा है, वाओ, धूप में इसका कलर चमक रहा है, बहुत ज़्यादा दूर है ये, मज़ा आई है देख रहा है ये रिव्यू ऑन द स्पॉट। वाइल्ड लाइफ आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी। अब ये बगुला है ना तुम्हें या कुछ और है? यहाँ पर काफी सारे साइबेरियन पक्षी भी है जो कि जाने वाले हैं छोटे। वो देखो एक वो है, तो क्या शॉट है। इस पक्षी का मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगर नाम मैं सर्च करके इसको स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा। लेकिन ये कितना सुंदर लग रहा है ये आप देखें, पानी के लेयर के ऊपर खड़े हुए हैं, ये मिट्टी है पूरी इतनी भरी हुई छोटे यहाँ तक। अद्भुत दृश्य, वाह क्या सुंदर नजारा है। ये वीडियो हमारे छोटे भाई बना रहे हैं फिलहाल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नजदीक से ये पक्षी को, और जिसको नाम पता है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली हम पहुंच गए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल में। अभी हम हैं हाईवे पर, गाड़ियां आप देख सकते हैं आते हुए, और धीरे धीरे पहुंचेंगे मोहांग तक। ये क्षेत्र है हाथी बाहुल्य क्षेत्र, किस मोड़ पर क्या जानवर निकल जाए कुछ पता नहीं। मौसम बहुत प्यारा है और दोनों तरफ खतरनाक जंगल है। मैं इसको जूम करता हूँ, यह है वूली नेक स्टॉर्क, ऊनी गले वाला सारस, जो कि आज आप देख पा रहे हो पास से। यही थोड़ा बेनिफिट होने वाला है हमें यहाँ पर। थोड़ा तो अक्ष भी दिखेगा तुम्हें, बहुत शानदार, वाह। हाई बैंक पर हमने देखा नीचे की ओर ग्रासलैंड में एक दो वूली नेक स्टॉर्क थे और दो चार स्पॉटेड डियर। ये देखिए ये भाई भी गिर चुके हैं और हम भी यहाँ गिरने से बचे बिल्कुल। करने वाला कौन? वही ट्रक वालों के चक्कर में ये भाई भी बचे और हम भी बचे। गिरते गिरते हम बच गए और भाई तो गिर ही गए। वो तो भाई तो गिर गए यार, पूछते हैं भाई से, पूछते हैं चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी दादी? वो
दो तीन बार हो चुका है हमारे साथ, ये ट्रक वाले रोकते ही नहीं है। टाइगर का एरिया है, यहाँ मत पड़े हो। दादी गाड़ी उठाने के लिए कौन आएगा यहाँ पर, गिर गए यहाँ पे। खाली की बात कर रहे हो, टाइगर का इलाका वो तो हमें ही पता है यार। रोड तो नहीं लगी ना भैया, ये देखिए कितने तेज निकल रहा है यार यहाँ से। एक तो डर लगता है यार वहाँ पर, पीछे खूबसूरत नदी का नज़ारा और आगे ये वाइल्ड लाइफ स्पॉटेड डियर देख सकते हैं आप। बच्चा किसका है, बहुत लंगूर का है। लंगूर का, वाओ बहुत छोटा बच्चा, बहुत छोटा। क्यों जोरा जूम करो, जूम करो, वाओ छोटा सा बच्चा। हाँ यार वो गर्दन लटक रही है उसकी, क्यूट सा बेबी। पूरा ग्रुप है उसकी केयर के लिए, देखो एक दूसरे को जोड़कर एक प्रकार से जैसे कंगारू केयर दी जाती है उस तरह। मैं थोड़ा सा क्लोजअप लेके दिखाता हूँ आपको बच्चा कितना, बिल्कुल अभी मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कम एज का है। वाओ एक छोटा बच्चा और झांक रहा है, इनकी माए देखो, और ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी लग रहा है। फर्स्ट टाइम देखा मैंने, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है मैंने लंगूर का बच्चा, तो ये रेयर मोमेंट है। हाय कितना क्यूट है यार, ब्यूटीफुल। वही सिर्फ देखिए रिव्यू हुआ था ऐसा हो कि वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाए। अभी दूध पी रहा है यार ये। हाँ और कान दिख रहे हैं इसके यार, लाल 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 कान है। और ये दूसरे बच्चे को देखो कैसे झांक रहा है। थोड़ा सा जूम कम करता हूँ, अब आप इसकी एक्टिविटी देख सकते हैं। दूध पीता हुआ बच्चा लंगूर का, अति सुंदर नज़ारा। यह है जंगल के कुछ सुंदर और अद्भुत नज़ारे। अब देखते हैं, रोशनी काफ़ी है अभी भी, तो वापसी में क्या मिलने वाला है। लीजिए जी वाइल्ड लाइफ कोई सी भी हो अब तो मज़े आ जाएंगे आपको। वाह क्या शानदार सुंदर मोर है, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, लाजवाब। इसकी सुंदरता देखें आप, मज़ा आ गया जी। आपका बैकग्राउंड है यार, सुंदर काकड़ जाता हुआ, छोटे दिल खुश हो गया वही लेंस से। अब टाइगर दिख जाए तो शानदार दिखेगा आपको। जी, आज तो मौसम ही ऐसा था कि रोशनी ज़्यादा थी ही नहीं। वो तो घना इलाका था इसी वजह से, पीछे पहाड़ था तो वहाँ से रोशनी नहीं आ रही थी। ये थोड़ा खुला इलाका है, रोशनी आप देख सकते हैं कितनी है। धूल का इलाका है, एक बार कैमरों ढक्का लगा लेते हैं। ओ भाई नीलकंठ देख सकते हैं कितना बड़ा किंगफिशर है। वहाँ स्पॉटेड डियर उल्टा तो चार पाँच आते भी क्रॉस हो रहे हैं। वाह क्रॉस होते हुए अभी स्पॉटेड डियर दिखाएंगे आपको। देखिए स्पॉटेड डियर जाते हुए रोड क्रॉस करके बच्चा गया। वाओ क्या सुंदर बैकग्राउंड है, ब्यूटीफुल सुंदर नजारा। वाओ सफेद फूलों की बरसात बौछार है यहाँ पर, उसमें से गुजरते सुंदर स्पॉटेड डियर्स। एक सुंदर बच्चा आगे खेलता हुआ माँ के साथ। तो दोस्तों अभी बिना जूम के देख पा रहे हैं, अभी ये लेंस का कमाल है, 150 mm सुंदर छोटे। ये रिव्यू तो अब आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा इस लेंस का कमाल। ये ज़रा बच्चा, एक सुंदर नज़ारा ये देखें। अब लाला जी बैठे हैं दुकान पर, ऐसा फील हो रहा है
और ये सुंदर बंदर है। ओ देखो दूर स्पॉटेड डियर बिल्कुल फेंसिंग के पास है, जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग है वहाँ पर, वो ना वाले हाँ वो कोने में। तो आप देख सकते हैं स्पॉटेड डियर इलेक्ट्रिक फेंसिंग को क्रॉस करते हुए, वो किस तरह से कर रहे हैं वो आप खुद देख सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा दूर है और ये आप बिना जूम के भी देख पा रहे हैं, क्योंकि फ्रेम अच्छा बन रहा है इसलिए मैं जूम नहीं कर रहा हूँ। देख लो छोटे, बहुत प्यारा फ्रेम है, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक हिरन ही हिरन, और पीछे कोसी रिवर, साथ ही इलेक्ट्रिक फेंसिंग क्रॉस करते हिरन, सुंदर नज़ारा। तो अब जूम करते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग क्रॉस करते हिरन, वाओ। ये देखिए, ये भी दिखा दिया हमने एक सुंदर नज़ारा आपको। कॉरिडोर में क्रॉस करते हुए जा रहे हैं हिरन बहुत सारे, स्पॉटेड डियर जो जा रहे हैं नदी की ओर, कैसा देख रहा है हमें झांक कर, क्यूट, वेरी क्यूट। क्या जाग रहा है यार, क्या स्वीट सा। अब आएगा दोस्तों क्लियरिटी में मजा, क्योंकि बिना जूम के बन रही है वीडियो, बिल्कुल अलर्ट होकर ये सड़क पार करने जा रहा है। ये देखें आप, इसके साथ साथ और भी हैं। ये छोटा है बड़ा? ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला है। अब निकलेगा ये, ठीक है ना, इतना आराम से देख रहा है ट्रैफिक को जाते हुए। मैं आपको थोड़ा जूम कम करके दिखाता हूँ कैसे वेट करते हैं जानवर, ये समझदारी है। लेकिन वापस आ गया वो, क्योंकि उसका झुंड अभी यहाँ मौजूद है। अरे कौवा, अरे वाह, इसके सर पे बैठा है, शानदार नज़ारा, सुंदर नज़ारा जी। आप ये देखें कितना आराम से घूम रही हैं, ऐसे जैसे गार्डन हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। और यहाँ देखो वाइल्ड लाइफ क्रॉस होने के लिए वेट कर रही है, अब आप लोगों को आएगा मज़ा, क्योंकि हम जूम करके बना ही नहीं रहे ज़्यादा। और छोटे अच्छी खासी दूरी वीडियो में आ चुकी, कॉरिडोर में खड़े होंगे। जब दूर होता है ना तभी नेचुरल एक्टिविटी आती है जानवरों की, सुंदर नज़ारा। उनके कॉरिडोर में वो धीरे धीरे जा रहे हैं, देखो ना, उनको जानवरों की परवाह नहीं है ऐसा लग रहा। ये पीछे है ना सांबड़ी, उसको क्रॉस होना है, वो आएगा। ये देखो देखो उसे बुला रहे हैं, कहाँ पर ये देखिए महिलाएं जो हैं, देखो हिरन को बुला रही हैं, गलत है। बाकी यहाँ है जी, देखिए तो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। आपको अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप समझे छोटे, बहुत प्यारा आ रहा है, बहुत प्यारा। बस वही है, हैंडल करना आना चाहिए इसे, क्योंकि इसको संभालना बहुत मुश्किल है, हाथ हिलता है बहुत ज़्यादा पता। पीछे से भी आ गया, वो अभी क्रॉस नहीं करेंगे, थोड़ा अंधेरा होने का वेट कर रहे हैं छोटे। चलिए इनको इनके नेचर में रहने देते हैं और इनको खाने पीने देते हैं। हमने सोचा दूर से क्रॉस करेंगे तो कैप्चर कर लेंगे। वाह ब्यूटीफुल, हाँ छोटा ही है, बच्चा है। तो दोस्तों आज का दिन ये कैसा लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब तो शाम हो चुकी है, 6:15 बज रहा है लगभग, इफ्तारी का समय हो रहा है। तो अब इफ्तारी करते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि अब तो रास्ते में ही इफ्तारी होगी। ऐसे ही सिलसिला मेरे ख्याल से और चलता भी रहेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोगों को पसंद आनी चाहिए चीज़, बिल्कुल बस आप लोगों को वीडियो पसंद आनी चाहिए, और वीडियो पसंद आएगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हो गया,
रिजर्व लग गया। अच्छा रिजर्व लग गया, तो लीजिए जी पेट्रोल का खर्चा आ गया है तो पेट्रोल भी पड़वाना है, रास्ते में पड़वा लेंगे कोई बात नहीं। तो वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।